السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم हर किस्म की तारीफ तोसीफ़ किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी उस अल्लाह उसबुलआमिन के लिए लायक व सजावार है जो दिन को रात में तब्दील करता है और रात को दिन में तब्दील करता है जो सूरज और चांद को वक्त मकर तुलु करता है और वक्त पर परूब करता है अल्लाह मलकमद हमदन कसिर तो बन मुबारकनफी उसके बाद दरुद्लम का नजूल हो तमाम अम्बिया इराम पर बिलखसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब महमद रसूल सल्हसम पर अलह महमद बारिक वसलम मेरी इस्लामी माँ और बहनों आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो मौजू दिया गया है वो है रमज़ान का इस्ते कैसे करें यानी रमज़ान हमारे क्या है हमारे गरीब में आ रहा है हम रमज़ान में दाखिल होने वाले हैं तो उसका इस्ते कैसे करें हम इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में ये सारी बातें क्या है हम जानेंगे मेरी इस्लामी माँ और बहनों हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्यों क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक जैसा महीना नसीब फरमा रहा है मेरी इस्लामी माँ और बहनों ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है अन खरीब हम उसमें दाखिल होने वाले हैं हर तरफ मोमिन के अंदर इस महीने को लेकर खुशी है ये वो मुबारक महीना है जिसका इंतजार एक मोमिन आदमी साल भर से करता रहता है क्योंकि यह महीना नेकियों और बरकतों का महीना है क्योंकि यह मुबारक का महीना बख्शिशों का महीना है क्योंकि यह महीना इनायत और तौफीक का महीना है यह महीना इबादतों का महीना है और यह मुबारक का महीना तखवा और ख़ादशारी का महीना है मुबारक ये वो महीना है जिसमें सदक़ा व खैरा किए जाते हैं ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रजा को हासिल किया जाता है ये वो महीना है जिसमें जन्नत की बशारत के लिए लोग कहे तैयार रहते हैं जहन्नम से छुटकारे का महीना है मेरी बहनों इस मुकद्दस महीने में मोमिन के अंदर आखिरत की फिक्र से अपने रब की मुलाकात की ख्वाहिश पैदा होती है सुबहान इस कदर पा पाकिजा महतरम महीना है मेरी बहनों ये रब की तरफ से इस पर ईमान लाने वालों के लिए अजीम तहफा है तमाम महीनों में रमजान ही वो मुबारक महीना है जिसका तस्करा अल्लाह नाम के साथ किया है आप जानते हैं इस्लामी महीने कितने हैं बारह हैं बारह महीनों में से अल्लाह तबारक ने अगर किसी महीने के नाम के साथ उसका तस्करा किया है तो वो रमज़ान का महीना है इससे हमें रमजानबारक की आजमत और क्या है उसकी शहादत का पता चलता है यानी इतना अजीम महीना है इतना बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब में उस रमजान का नाम लिया है उस महीने का नाम लिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहर रमजान यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नाजिल किया गया कुरान मजीद को नाजिल किया गया और रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान जैसी मुकदस किताब को नाजिल किया गया और यह कुरान मजीद लोगों के लिए हिदायत का जरिया है मेरी बहनों ये वो मुबारक महीना है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम को फरमाया यानी सहाबा कराम को रमजान के आने से पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की मुबारकबाद दिया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आता कुम रमजान अये मेरे प्यारे सहाबा तुम्हारे पास रमज़ान आने वाला है तुम्हारे पास रमज़ान आ रहा है शाहरुन मुबारक कराम ये बहुत ही बाबरकत यानी मुबारक महीना है यानी अल्लाह के नबी साहब कराम को रमज़ान के आने की मुबारकबाद दे रहे हैं अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं श... शहरुन मुबारकुन ये मुबारक महीना है ये बाबरकत महीना है उसके बाद आगे हदीस में फरमाते हैं फरज़ अलैकुम सयामह अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इस महीने में अल्लाह ने तुम पर रोजों को फर्ज किया है अब अब रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाता है रमज़ान का महीना वो वो महीना है जिसमें तुगल खूफी है अब अबीम जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है ये वो महीना है जिसमें सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि के तुल्लुफ़ी ही शयातीन जो बड़े बड़े सरकश शयातीन इंसानों को भड़काने के लिए फिरते रहते हैं इंसानों को क्या है इस्लाम के खिलाफ अल्लाह के खिलाफ और उसके रसूल के खिलाफ भड़काने के लिए फिरते रहते हैं ऐसे शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं हदीस में خيرها فقد حرم अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना इतना मुबारक महीना है कि इसका हर लम्हा अफजल है इसका हर 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 सेकेंड बाबरकत है और इसका हर दिन हर रात और हर हफ्ता क्या है बाबरकत है लेकिन मेरी बहनों उसके बावजूद भी अल्लाह ने एक ऐसी रात रखी है कि वो रात तमाम रातों में अफजल है वो क्या है वो वो रात क्या है तमाम रातों में अफजल है और तमाम सेकंडों में अफजल है अल्लाह के नबी फरमाते हैं फील इस महीने में एक रात बहुत ही रात है। एक भलाई वाली रात है जो शख्स रमजान की उस रात को क्या है खो दिया यानी उससे महरूम रह गया फ़कत खरीमा खी रहा तो वो शख्स क्या है हर भलाई से महरूम हो गया यानी जिसने वो लल्क्र को छोड़ दिया उन क्या है पांच जाग कर क्या है उ, उस रात की इबादत का सवाब अगर हासिल नहीं किया तो उसने जिंदगी की किसी भलाई को हासिल नहीं किया मेरी बहनों रमजान इतना बाबरकत महीना है है कि इसमें क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रात ऐसी रखी है कि अगर हम उसमें इबादत करके सवाब हासिल करना चाहते हैं तो वो इबादत कितने महीनों के बराबर है तीरिय साल चार महीनों की इबादत के बराबर है सुबह अल्लाह हम क्या है एक साल इबादत करने के लिए कितनी मेहनत लगानी पड़ती है आप अंदाजा लगाइए ये रमज़ान के महीने में अल्लाह ने एक रात ऐसी रखी है कि अगर हम उस रात में इबादत कर लें और उस रात में अल्लाह को राजी कर लें तो यकीन जानिए कि हमने कहे तिरियत से साल चार महीने इबादत की सुबह अल्लाह मेरी बहनों तो ऐसे अजीम शान महीने का पाना अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है इसकी नमत इस नामत की अहमियत का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि सलफ़ साल रही महम्ला छह महीने पहले अल्लाह से दुआ करते थे बल्द रमजान अल्लाह हमें रमजान जैसा मुबारक महीना नसीब फरमा छह महीने पहले से कहे रमजान के आने की तैयारी करते थे रमजान के महीने में कहे रमज़ान के महीना नसीब फरमा इस बात की दुआ करते थे अल्लाह ताला से मेरी बहनों इतना ही नहीं जब रमजान चला जाता तो फिर ये दुआ करते थे अल्लाह हमने रमज़ान में जो भी इबादतें की जो भी टूटे फूटी बातें और जितने भी हमने कहे अल्लाह को राजी करने के लिए जो भी अल्लाह तुझसे राजी करने के लिए अमाल किए हमारे टूटे फूटे अमाल को तो कबूल फरमा इस कदर ये दुआएं करते थे साहब कराम तो अंदाजा लगाई मेरी इस्लामी मा और बहनों की ये नेक लोग ये इस कदर क्यों जो करते थे रमजान के लिए क्यों इस कदर रमजान के आने से छह महीने पहले दुआ करते थे और जब चला जाता तो छे महीने तक उसके कबूल होने के लिए दुआ करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है क्योंकि वो रमज़ान के महीने की कदर करते थे इसीलिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों रमजान के आने से पहले उसका करते थे उसकी तैयारी करते थे और रमज़ान के जाने के बाद उसमें जो किए गए अमल हैं उनके कबूलियत के लिए दुआ करते थे क्योंकि वो जानते थे कि रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है रमज़ान का महीना बहुत ही अहमियत का महीना है मेरी इस्लामी माँ और बहनों गर्जिए कि रमज़ान का महीना निहायत है अजमत वाला शहदत वाला रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है मेरी इस्लामी माँ और बहनों मैंने अभी आप लोगों के सामने चंद आयतें पढ़ी वो आयतें क्या थी सूरतुल्बरा की आयतें थी अल्लाह रब्बुल रबीन का फरमान है यादीबीबी और क्या है की चार आयतें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक ने पूरे रमजान का नक्शा खींच दिया है यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि रमजान आने से पहले रमज़ान की तैयारी किस कदर करना है रमजान जब मिल गया तो उसमें क्या करना है रमजान के मिलने के बाद हमें क्या क्या चीजें करना है और पूरी पूरी वजाहत आलमीन ने चार आयतों में की है तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों तो देखिए ये रमजान का जो महीना है अब हमें मिल रहा है इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रमजान जैसा महीना नसीब फरमाया लेकिन अब हमारा फर्ज क्या बनता है अब हमारा फर्ज ये बनता है कि इस माह माहम का कैसे करें इस अजीम महीने का इस्ते हम कैसे करें और किस उमदगी के साथ इस महीने की यानी बरक़ात को हम हासिल करें अपनी अपने दामन को नेकियों से किस कदर भरें किस किस तरह भरें तो आइए मेरी इस्लामी माँ और बहनों आज के इस कहेवान में आज के इस कहे तकरीर में हम ये जानेंगे कि हम रमज़ान का इस्तेमाल किस तरह करें और हम किस तरह कर रहे हैं आज हमारा हाल क्या है ये सब चीजें क्या है हम जानेंगे मेरी इस्लामी माँ और बहनों उससे पहले मैं एक शेर के जरिए से अपनी है तकरीर को शुरू करती हूँ मुबारक हो मुसलमानों माह रमजान आया है मुबारक हो मुसलमानों माह रमजान आया है खुदाए पाक का भेजा हुआ मेहमान आया है खुदा ने मर्तबा कितना दिया इस माह अकदस का खुदा ने मर्तबा कितना दिया इस माह अकदस का हिदायत के लिए इस माह में कुरान आया है सुबह अल्लाह मेरी इस्लामी माँ और बहनों देखिए ये मुबारक महीना है कि इस महीने में कुरान जैसी मुकदस किताब को भी अल्लाह रबी ने नाजिल किया है इसीलिए ये रमज़ान के आने से पहले हमें मुकम्मल तौर पर तैयारी करना है तो आइए हम तैयारी किस तरह करेंगे आज हम मालूम करेंगे मेरी इस्लामी मां और बहनों इस्लाम जोश और जज्बे का नाम नहीं है बल्कि इस्लाम क्या है होश और अकलमंदी का नाम है जो हमारा दीन है वो अकलमंदी का और क्या है होश का होश का दीन है मगर अफसोस है मेरी बहनों के सारी दुनिया में सबसे जोशीली और जज्बाती कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान कौम है हत्या के मुसलमानों का हाल यह है कि अपने रब से जो ताल्लुक होता है उनका रब के बारे में नबी के बारे में कुरान के बारे में ये भी उनका ताल्लुक जज्बाती और जोशीला है अब देखिए उनका अपने रब से ताल्लुक़ क्या है मुसलमानों का नबी से मोहब्बत जो है कुरान से वाबस्तगी और हदीस के बारे में भी अगर हम देखेंगे तो पूरी की पूरी जज्बाती है अब अल्लाह से ताल्लुक का हाल यह है कि हम क्या है अल्लाह के बारे में क्या है देखिए जब गैरुल्लाह के बारे में बातें आती है अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में बातें आती है तो हम इस सख्त नफरत करते हैं हम उससे मगर नफरत तो करते हैं हम मगर अल्लाह की बंदगी यानी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने को राजी नहीं है हम हम नबी की इज्जत करते हैं नबी की इज्जत पर कोई हर्फ आए तो हम मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं मगर आपकी सीरत पढ़ने और उसको हमारे लिए क्या है हम उसवा बनाने के लिए तैयार नहीं कुरान को दिन में कितनी मरतबा चूमते हैं मेरी इस्लामी मा और बहनों मगर साठ और सत्तर साल की जिंदगी भी गुजर जाए मगर एक मरतबा उसका तर्जुमा पढ़ने और समझने पर तैयार नहीं है रसूल सल्लाम की अहादीस पर मुश्तमिल कितनी किताबें हैं जिनको आज जिनमें क्या है कितने ऐसे लोग हैं जिनमें क्या है अक्सर लोगों को उनके नाम नहीं मालूम है जोश और जज्बात जो है ना मेरी बहनों वो आंधी की तरह होते हैं आंधी एक साथ और एक दम आती है और क्या है तबाही मचा कर फौरन चले जाती है आंधी जो है जज्बात के साथ आती है बगैर खुशगवारी के बग़ैर खुशगवारी का माहौल पैदा किए हंगामा बर्पा करके चली जाती है जिस रफ्तार से वो आती है उसी रफ्तार से वो चली जाती है तो मेरी बहनों जज्बाती कामों में इस्तेमालत नहीं होती जज्बात से काम लेने में हमेशगी नहीं होती जज्बात से काम लेने में शा नहीं होता मेरी इस्लामी मार बहनों अल्लाह के नबी वसल्लम ने भी हमें कहे जज्बात से काम लेने से रोका बल्कि कहे शरी से काम लेना चाहिए हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और जो काम भी करें हम थोड़ा ही क्यों ना करें मगर उस पर हमेश की इख्तियार करना है अल्लाह के नबी सल ने फरमायाब अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब अमाल वो है जो हमेशा किए जाते हैं अगर चिके वो कम ही क्यों ना हो मेरी इस्लामी इमां और बहनों देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ बारिश होती है जब तेज रफ्तार से जो बारिश होती है वो पत्थरों पर से क्या है गिर कर बह जाती है यानी पत्थरों पर से क्या है गिर कर पत्थरों पर गिर कर फौरन वो पानी चला जाता है बारिश का लेकिन याद रखिए जब बारिश खतरा 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 गिरती है खतरे खतरे गिरने लगते हैं तो एक चट्टान पर भी अगर गिरती है तो उस पर खतरा खतरा पानी गिरने की वजह से वो चट्टान में भी सुराख बन सकता है तो मेरी इस्लामी मा और बहनों ये जो मिसाल में आपको बता रही हूँ एक जगह जो खतरा पानी खतरा खतरा गिरते रहता है वो खतरा खतरा पानी मुसलसिल गिरने की वजह से वो चट्टान में भी सुराख बन जा सकती है बताने का मतलब यह है के जो रमज़ान का महीना आता है तो मुसलमान फजीलतें सुनकर मुसलमानों के जज्बात में इजाफा हो जाता है मस्जिदें आबाद हो जाती है फर्ज नमाजों में कोताही करने वाले भी नफील नमाजों का अहतमाम करते हैं मैं ये नहीं कहती कि आप अब नमाज रमज़ान आते ही पढ़ना आ, क्या है पढ़ना मत पढ़िए ये नहीं कह रही मैं मगर हम जो काम कर रहे हैं वो हमेशा होना चाहिए सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं यहाँ इतना ही नहीं मेरी इस्लामी और बहनों सर पर टोपियां रख ली जाती हैं जिनके चेहरों पर दाड़ियाँ नहीं थी वो रमजान के आते ही क्या है छोड़ना शुरू कर देते हैं गोया के ऐसे महसूस होता है कि मुसलमान एकदम जाग उठे हैं लेकिन ये जो बेदारी है मेरी इस्लामी मा और बहनों हमेशगी की नहीं होती हमें हमेशा के लिए करना चाहिए हमेशा के लिए करना चाहिए जज्बाती नहीं होना चाहिए कि हम रमजान आया तो रमजान के लिए जज्बात से उठ खड़े हुए हमने क्या है हमने क्या है खैर के कामों में आगे आगे बढ़ना कर दिया। इस तरह नहीं। एक हफ्ते के बाद फिर वही हालत होती है हमारी। के में हम इस तरह करते हैं या फिर हमारे पास वीरानी छा जाती है देखते ही देखते हमें ये नहीं महसूस होता कि रमजान आया था और अभी अभी गुजर भी गया इसीलिए मेरी इस्लामी मार बहनों अब आने वाला जो रमजान है हम उसमें ये अहद करें कि हम इस रमज़ान में कहे शा के साथ जिंदगी गुजारेंगे यानी हम इस रमज़ान में जो हम काम कर रहे हैं वो कहे जिंदगी में हमेशा के लिए इख्तियार करेंगे सिर्फ रमज़ान के हद तक नहीं हम रमज़ानी मुसलमान नहीं बनेंगे बल्कि कहे हम रब्बानी मुसलमान बनेंगे अल्लाह के लिए हमें मुसलमान बनना है रमजान के महीने आने की वजह से रमज़ान के लिए मुसलमान नहीं बनना है मेरी इस्लामी मौर बहनों अब हमें इस बात का अहद करना है कि हम जो अब आने वाला रमजान है वो हम हमेशा के लिए जितने रमजान में हम अब तैयारी कर रहे हैं वो साल के ग्यारह महीनों के लिए हम वैसी तैयारी करेंगे ये रमज़ान का जो महीना आ रहा है वो ट्रेनिंग है मेरी बहनों वो हमारे लिए क्या है ट्रेनिंग है ट्रेनिंग और तरबियत का महीना है कि ये महीने में जिस तरह तुम जिंदगी गुजारते हो हमेशा हो, वैसी ही जिंदगी हर क्या है साल के ग्यारह महीनों में गुजारना है मेरी इस्लामी और बहनों इस रमजान को हम शा के साथ गुजारेंगे ताकि हमारा शुमार उन लोगों में हो जो रमज़ान की वजह से कहे जन्नत में चले जाते हैं लेकिन आइए अब सवाल यह है कि रमज़ान का इस्ते कैसे करें तो देखिए उसका जवाब यह है कि हम पहले ही से अपने जहनों में एक तस्वूर पैदा करें यानी हमारे ख्यालों में हम ये क्या है खाका बनाने लें कि हमारे जहनों में एक तस्वूर ये पैदा करें कि जब हमारे घर में मैं आपको एक क्या है एग्जाम्पल देती हूँ एक मिसाल देती हूँ क्या जब हमारे और आपके घर में एक मेहमान आने वाले हैं जो क्या है, बहुत ही आला हैं बड़े मेहमान हैं जब उनकी आमद होती है यानी जब वो आते हैं तो आप क्या करते हैं बताइए हम और आप क्या करते हैं तो उसका जवाब ये है मेरे इस्लामी और बहनों आप भी जवाब देंगे मैं भी जवाब देंगे ये कि हम क्या है बहुत सारी तैयारियां करते हैं क्या है घर को आंगन को सजाते हैं खुद भी उनके लिए तैयार होते हैं अपने बच्चों को भी तैयार करते हैं पूरे घर में खुशी का माहौल होता है बच्चों के लबों पर क्या है बच्चों के लमों और चेहरों पर खुशी और क्या है मुस्कुराहट छाई हुई होती है यानी मेहमान की खातिर कई तरह की तैयारियां करती हैं इस तरीके से क्या है हम इतना तैयारी करते हैं इतना तैयारी करते हैं कि मेहमान को किसी किस्म की क्या है कमी महसूस ना हो तो वेरी इस्लामी और बहनों जब एक मेहमान के लिए हम इस कदर तैयारी कर रहे हैं तो मेहमानों में सबसे बड़ा मेहमान सबसे आला मेहमान जो रब की तरफ से भेजा हुआ मेहमान हो तो उसकी तैयारी किस कदर पुर पुरजोर होनी चाहिए बताइए किस कदर जोर और शोर से होनी चाहिए मैं जिस मेहमान की बात कर रही हूँ वो, वो मेहमान रमजान मुबारक का महीना है मेरी बहनों ये तो क्या है सबसे आला मेहमान है हमारे लिए अल्लाहबालमीन की जानेब से भेजा गया क्या है मेहमान है हमारे लिए तो सबसे पहले आइए हमें इस महीने की अजमत का एहसास होना चाहिए पहला पॉइंट यानी पहली जो चीज हमें करना है रमज़ान के इस्तेबाल में वो ये कि हमें क्या है रमज़ान के अजमत का एहसास होना है रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ही क्या है अजमतों का महीना है क्या है अजमत का महीना है हमारे दिल में इसकी क्या है अजमत बैठनी चाहिए रमज़ान का महीना बेहद अजीम है इसकी कदर और अजमत को हम पहले ही से जहन और दिमाग में बिठा लें ताकि जब रमज़ान का महीना जब हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो जाए तो हमें क्या है किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की सुस्ती और काहिली नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अजीम महीना है जब हमारे जहन में और हमारे दिल में ये बात बैठ जाएगी तो हम क्या है अजीम महीने की कदर करना शुरू करेंगे तो इसीलिए सबसे पहले हमें इस अजीम महीने की आजमत का एहसास होना चाहिए ये इतनी आजमत और कदर वाला महीना है कि इसकी एक रात का नाम ही अल्लाह ताला ने कदर और मंजिलत वाली रात रखा है यानी अहमियत वाली रात रखा है अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदर खैरुम मिनल फी शहर

फिर अल्लाह सवाल कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वमा वा का ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या मालूम कि कद्र वाली रात क्या है फिर उसके बाद अल्लाह ताला सवाल करने के बाद अल्लाह ताला त्या है उस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं लैलतुल कद्र खैर मिन की शहर ये जो कद्र वाली रात है वो क्या है हजारों महीनों की इबादतों से बेहतर है हजारों महीनों से बेहतर वाली रात है इसमें तमाम फरिश्ते और क्या है जिब्राइल अमीना क्या है जिब्राइल आलिम क्या करते हैं अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के हर हुक्म को लेकर इस रात में उतरते हैं और उसके बाद ये जो रात है ये रात क्या है सलामती वाली रात है सलामी मतुलजर ये रात जो है सलामती वाली रात है और क्या है ये कब तक रहेंगी ये रात ये क्या है फज्र के होने तक ये रात क्या है रहेंगे तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों तो ये अजीम ये अजीम अजीम महीना है तो इस अजीम महीने की हमें कद्र करनी चाहिए हमारे दिल में क्या है इस अजीम महीने की कदर को क्या है जहन में बिठा लेना है कि ये अजीम महीना है तो अब हमें इसके लिए तैयार रहना है सबसे पहला काम ये करना है अब उसके बाद जो दूसरा काम करना है हमें वो क्या है नियमत का एहसास ये ये मुबारक का जो महीना है ये मुबारक का महीना जहाँ रब का मेहमान है वहीं इस महीने ये महीना जो है ना अल्लाह की तरफ से एक अजीम नियमत भी है मेरी इस्लामी माँ और बहनों रमजान का महीना हमारे लिए बहुत बड़ी नमत है क्यों क्योंकि ये जो नियमत है यानी कितने ऐसे लोग हैं मेरी इस्लामी माँ और बहनों जो क्या है पिछले रमजान में हमारे साथ थे मगर अब इस रमजान के आने से पहले क्या है वो अपनी जिंदगी से क्या है वफात कर चुके हैं इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है मेरी बहनों रमजान का पाना हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है इसीलिए इस नियामत का हमें क्या है एहसास होना चाहिए क्योंकि याद रखिए आप आमतौर से कि एक इंसान को जो नियमत मिलती है उसकी कदर नहीं करता इंसान जो नियमत नहीं मिलती इंसान को उसके पीछे पड़ता है उसके पीछे भागता है कि वो नियमत उसे चाहिए इसीलिए जिन जो भी नेमतें हमारे पास है उसकी कदर करें उसकी शुक्र गुजारी करें और जो नेमतें नहीं है उसके पीछे ना भागें अब रमजान हमारे पास है लेकिन आज हम रमजान की कदर नहीं करते उसकी एक मिसाल में आपको इस तरह से देती हूँ देखिए दो लोग हैं एक आंख वाला आदमी है और एक बगैर आँख वाला यानी जिसके पास आँख की रोशनी रोशनी नहीं है यानी रोशनी मौजूद नहीं है तो ये जो आँख वाला इंसान है वो आँख की नियमत की कदर नहीं करता और जो बगैर आँख वाला आदमी है वो नियमत की वो आँख जैसी नियमत की कदर करता है वो क्या है सोचता है कि काश अल्लाह मुझे आंख दे दे मेरे आंखों में कहे रोशनी दे दे तो मैं क्या है दुनिया की कहे चीजों को देखूं दुनिया में क्या माहौल है मैं दुनिया के माहौल को देखूं वो इस कदर तड़पता रहता है आंख की नमत के लिए लेकिन जिसके पास आंख है वो आदमी क्या है आंख की नमत की कदर नहीं करता और आंख की नमत की कदर क्यों नहीं करता किस कदर किस तरह नहीं करता क्योंकि वो आंख के जरिए से गलत चीजों का क्या है अपनी आँख का गलत इस्तेमाल करता है गलत चीजों को देखता है अगर उसके पास आंख ना होती तो वो नियमत का एहसास करता मेरी बहनों आंख वाला आदमी क्या करता है कि अपनी आंखों से आंखों का गलत इस्तेमाल करता है बेचा क्या है इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और क्या है गंदी चीजों को क्या है? देखता है तो इस तरीके से क्या है ये गंदी चीजों को देखना ये क्या है आंख की नियमत की कदमदानी नहीं होती मेरी बहनों बल्कि क्या है हम क्या है आंख आँख की क्या है नेमत की कदर नहीं करता जो जिसके पास आँख होती है तो इसी तरह क्या है बुराई को देखता है वो इंसान तो जो आँख के आँख रहने वाले की बनस्बत जिसके पास आँख नहीं है वो क्या है आँख आँख वाले की बनस्बत क्या है आँख की नेमत की कदर करता है ये ऐसा क्यों होता है मेरी बहनों क्योंकि क्या है उसके ईमान में कमी होती है जिस इंसान के ईमान में कमी होती है और जिस इंसान का ईमान मजबूत नहीं होता वो नमतों की कदर नहीं करता तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों ईमान का तकाजा यह है कि हम रमजान जैसे मुकदस महीने की और उसकी कहे नियमत का एहसास करें इस नियमत पर हम अल्लाहबमीन का शुक्र कहे शुक्र अदा करें शुक्र गुजारी करें अल्लाह ने फरमाया इन शकर तुम लाजी इन तुम इन्ना लशदीद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि जो जब तुम नियामतों की शुक्रगुजारी करोगे लई शकर तुम अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो तुम हम तुम्हें मजीद अता करेंगे यानी और ज्यादा देंगे लेकिन एक बात याद रखें अगर हम ना शुक्री करेंगे नियामतों को हमारे पास रखने के बावजूद भी अगर हम नियामतों की ना शुक्री करेंगे तो अल्लाह ने उसकी भी क्या है सजा सुनाई है वला कफर तुम इन ना आजाबी शदीद क्या अगर तुम मेरी ना शुक्री करोगे तो यकीन मेरा आजाब बड़ा सख्त है तो मेरी इस्लामी मोर बहनों पहला काम हमें अजीम महीने की क्या है यानी रमज़ान की आजमत का एहसास हमारे दिल में होना चाहिए और जो दूसरा जो जो दूसरा काम करना है यानी रमज़ान का इस्तेबाल हमें किस कदर करना है कि हमें क्या है इस रमज़ान जैसी नियमत की क्या है कदर करनी है उसका एहसास करना है उसके बाद जो तीसरी चीज है जो हमें क्या है रमज़ान के इस्तेबाल करने में जो हमारे लिए तीसरा पॉइंट है तीसरी जो शर्त है वो ये कि सबसे पहले हम बुराइयों को छोड़ दें गुनाहों को छोड़ दें हम क्या है बुराइयों से पाक हो जाएं गुनाहों से पाक हो जाएं और तोब्बत नसुहा करें तो मेरी बहनों नसुहा किसको कहते हैं यानी अपने गुनाहों की माफी मांगे अपने अपने दिल को क्या है गुनाहों से पाक करें और दिल गुनाहों से पाक उस वक्त होगा जब हम तोबा करेंगे तो आइए सबसे पहले हम ये जाने के तोबा किसको कहते हैं यानी तौबा कहते किसको हैं तो देखिए मेरी इस्लामी और बहनों तौबा का मतलब ये है कि हम क्या है हम ये जुबान से कह दें कि हम अब से ये नहीं करेंगे इसको तौबा नहीं कहते बल्कि तौबा का मतलब है कि हम गुनाहों पर नादिम होना शर्मिंदा होना यानी हम गुनाह जो गुनाह हम कर रहे हैं हम अल्लाह की जो नाफरमानी कर रहे हैं उस पर शर्मिंदा हो जाएं कि हमने वाकई ये गलत काम किया उसके बाद हम अल्लाह की तरफ लौट जाएं अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो और अल्लाह से कहे माफी मांगे उस गुनाह के बारे में फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये कि हम आइंदा वो गुनाह ना करने का इरादा करें यानी मुस्तकबिल में वो गुनाह ना करने का इरादा करें तो मेरी इस्लामी और बहनों पहले गुनाह पर शर्मिंदा होना है फिर अल्लाह के दरबार में हर दिन तो अल्लाह से माफी मांगनी है फिर उसके बाद आइंदा वो गुनाह के तो क्या है? वो क्या वो गुनाह को दोहराने नहीं दोहराने का इरादा करना है तो मेरी इस्लामी और बहनों हम जानते हैं कि क्या है इंसान गुनाहों का पुतला है इंसान से गलतियां होती रहती हैं लेकिन गलतियां होने के बाद क्या है फौरन तौबा करना ये क्या है सबसे बेहतरीन इंसान है मेरी इस्लामी और बहनों ये क्या है गलती होना ये तो क्या है अम्बिया इक्राम क्या है अम्बिया इक्राम से भी गलतियां हुई थी अम्बिया इक्राम से भी गुनाह सरजद हुए थे लेकिन देखिए मेरी इस्लामी और बहनों तौबा करते थे वो लोग तौबा करना अम्बिया इक्राम का शेबा है तोबा करते थे अम्बी इक्राम देखिए हमारे बाप आदम सलाम से भी गलती हो गई थी आदम सलाम को भी शैतान ने बहकाया था जिसकी वजह से उन्होंने गलती कर डाली तो गलती करने की वजह से उन्होंने फौरन वो गलती के ऊपर नादिम होकर अल्लाह से तोबा की अल्लाह से तोबा करते हुए दुआ किया रबना से उन्होंने दुआ की क्या है हमारे रब हमने अपने जान मैंने है मैं और मेरी बीवी ने क्या है अपनी जानों पर जुल्म किया है अगर तू हमें ना माफ करे और तू हम पर रहम ना करे तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे तो मेरे इस्लामी मोर बहनों आजम्सलाम ने भी तोबा की उनसे गलती हो गई है फौरन उन्होंने तोबा की इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई जिसकी बिना पर मछली ने उन्हें निगल लिया तो उन्होंने भी फौरन दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से तोबा उत्तफार किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने तोबा की कहा क्या कहा ला इलाहा इल्ला लाता सुबह तुमीन अब्बीन ऐ मेरे परवरदिगार तेरे अलावा कोई सच्चा महबूद नहीं और क्या है तू ही पाक है तेरी जात पाक है यकीनन मैं ही गुनहकारों में से हूँ मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ तो मुझे माफ फरमा दे इस तरीके से यूनुस अलैहि सलाम ने भी अल्लाह से तोबा की तो मेरी बहनों अब हम रमज़ान आने से पहले हमें गुनाहों की क्या है माफ़ी मांगना है तोबा करना है तोबा व इस्तिगफार करना है हमारे सारे गुनाहों के अल्लाह के सामने दरबार में हाजिर होकर हमें माफ़ी मांगनी है इतना ही नहीं हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुनाहों की चाहे गलती हो या ना हो लेकिन क्या एक मजलिस में सौ से ज्यादा मरतबा अल्लाह से तोबा व इस्तिगफार करते थे मेरी बहनों अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि मैं एक दिन में सौ तो से ज्यादा मरतबा तोबा इस करता हूँ लिहाजा तुम भी तोबा इस्तार को लाजिम पकड़ो मेरी बहनों अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि एक मजलिस में अल्लाह के नबी व सौ से ज्यादा मरतबा तौबा करते थे हालांकि ये वो नबी है जिनके अगले और पिछले गुना माफ कर दिए गए ये वो नबी है जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई ये वो नबी है जिनसे क्या है गुना सरजद न होने के बावजूद भी अल्लाह से तोबा इस्तवार करते थे क्यों करते थे क्योंकि वो क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कोई भी इंसान अपने आमाल के बदले में जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह का फजल और क्या है अल्लाह काम नहीं होगा उस वक्त तक क्या है वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह के नबी भी नहीं जा सकेंगे अल्लाह के फजल के बाद ही अल्लाह के नबी भी जन्नत में जाएंगे मेरी इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ हमेशा पढ़ते थे रबिरली व तुबले तवाबरहीम ऐ मेरे परवर तू मुझे माफ फरमा दे मेरी तौबा को तो कबूल फरमा दे तू ही क्या है रहम करने वाला है और तौबा कबूल करने वाला है मेरी इस्लामी माँ और बहनों इतना ही नहीं अल्लाह के नबी तोबा व इस्तार करने की इतनी ताकीद करते थे कि अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर अन्हु को क्या है कि तौबा करने पर बकरे ताकीद करते थे और ये दुआ सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वीम तो नफसी हम कहे नमाज में पढ़ते हैं पांच वक्त की नमाज और जितने भी नवाफिल और सुन्नतें हैं वो तमाम नमाजों में हम ये दुआ पढ़ते हैं तहियात में देखिए मेरी बहनों सलाम फेरने से पहले हम ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाह इन्नी ता नफ्सी जुलमन का सिर व ली मिन हम, गुनाहों का क्या है? करते है। हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी जान पर जुलम किया है जुलम का बहुत ज्यादा जुल्म किया है, जुल्म किया है तो मुझे माफ फरमा दे तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है तेरे अलावा कोई ऐसी नहीं है जो हमारे गुनाहों को मां फरमाते तो इसीलिए तेरे पास जो रहम और करम है तेरे पास से हमारे हमा, मेरे ऊपर क्या है और करम का मामला फरमा यकीनन तो रहम करने वाला है ये दुआ अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर को सिखाई सिखाईल तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों तो हम तोबा व इस्तिगफार करना है ज्यादा से ज्यादा तोबा व इस्तिगफार करना है मेरी बहनों अब यह हम रमजान के आने से पहले अपने हमने जितने गुनाह किए जो जो भी गुना किए मेरी बहनों जो जाने में किए अनजाने में किए हम क्या है जान बुझ कर किए हो अकेले में किए हो अंधेरे में किए हो या क्या है मजलिस में किए हो जाने में किए हो बहरहाल उन गुनाहों के अल्लाह के सामने माफी मांगना है रमजान के आने से पहले हमें तोबा व इस्तार करना है और तमाम गुनाहों को छोड़ देना है अब देखिए अगर हम तोबा करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा الله تبارك وتعالى فرماتا ہے قرآن مجید میں يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الله رب العالمين فرما رہے ہیں کہ ايمان والو تم اللہ کے سامنے توبا و استغفار کرو تم اللہ سے توبہ کرو کیسی توبہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا توبتن نصوحا क्या है तू वो तोबतू ऐसी तोबा खालबा के फिर आइंदा वो गुनाह ना करने की क्या है तोबा करना चाहिए उसको तोहबतू कहते हैं ऐसी तोबा करो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ऐसी तोबा करोगे तो उसका क्या फायदा होगा ऐसा रब सयातिकुम अल्लाह ताला क्या करेंगे तुम्हारे गुनाहों को अच्छाइयों में बदल देगा यानी तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अच्छाइयों में बदल देगा तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा और अच्छाइयों में बदल देगा फिर उसके बाद जो दूसरा फायदा है वो ये कि वहीकुम जन्ना तिंतरी यानी ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा दूसरा फायदा यह है कि तोबा करने की वजह से जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी फिर उसके बाद जो तीसरा फायदा वो ये है कि नूरुहम सा वो भी ईमान ऐमान तीसरा फायदा ये होगा कि जब कल क्यामत का दिन होगा नफसा नफसी का आलम होगा हर इंसान अपने अपने बारे में सोचेगा तो ऐसे वक्त में तोबा व इस्तार करने वालों के लिए उनके सामने से जब वो क़ियामत के दिन बैठे हुए रहेंगे उनके सामने से और उनके दाएं और बाएं से नूर उनके सामने दौड़ता हुआ रहेगा यानी उनके लिए रोशनी ही रोशनी होगी मेरी इस्लामी माँ और बहनों और चौथा फायदा यह है कि अल्लाह रब्लम कहे उनको रुसवाई से बचाएंगा कल क्यामत का दिन होगा हर कोई अपने अपने रिजल्ट के बारे में सोचेगा कि मेरे कितने गुनाह हैं मेरा कैसा हाल होगा मेरा क्या हाल होगा तो ऐसे आलम में अल्ह रबालमीन वहां पर यानी जलील होने से अल्लाह बचाएगा तो तोबा और इस्ते हमें क्या है लाजिम पकड़ना चाहिए तो हमें रमज़ान के आने से पहले मेरी इस्लामी माँ और बहनों अपने गुनाहों पर नादिम होना है और अल्लाह के सामने गिर गिड़ा कर दुआ करना है मेरी बहनों गुनेगार तो सब है लेकिन क्या है बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह से बहुत ज्यादा तोबा करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया बनी आदम इन के हर बनी आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो क्या है सबसे ज्यादा तोबा करने वाला है मेरी इस्लामी और बहनों हमें ज्यादा से ज्यादा तोबा करना चाहिए फिर उसके बाद देखिए मेरी बहनों अब हम गुनाहों से पाक होना चाहते हैं तो गुनाहों से पाक होने के लिए हमें एक काम करना है कि अगर हमारे से कहे कोई गलती हो गई कोई गुनाह हो गया हमने झूठ बोल लिया या कुछ भी कहे हमने कहे गलती कर ली गुनाह कर लिए जो अल्लाह को नापसंद है वो काम कर लिया

कोई गुनाह हो जाए कोई बुराई हो जाए तो तुम फौरन क्या करो नेकी करो और वो नेकी क्या करेंगे गुनाह यानी बुराई को क्या है मिटा देंगे यानी जो नेकी हम कर रहे हैं गुनाह होने के बाद अगर गुनाह हो गया हम झूठ बोल लिए या अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम कर लिए तो फौरन हमें वजू करना है और दो रकात नमाज पढ़ना है अगर हम दो रक़ात नमाज पढ़ेंगे तो वो दो रकात नमाज जो हम पढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो हमने गुनाह किया वो गुनाह क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो गुनाह को क्या है माफ कर देगा तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों लेकिन याद रखिए अब तक हमने जो भी गुनाह किए सो किए मेरी बहनों लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या है इतने गुनाह किए अब कैसे माफी मिल सकती है हमें हमने साल भर गुनाह करते हुए आए हैं दिन में रात में चलते फिरते हमारी जिंदगी गुनाहों में भरी पड़ी है अब हम अल्लाह के सामने क्या सूरत लेकर जाए हम ऐसा सोचते हैं तो मेरी बहनों मायूस होने की जरूरत नहीं है मायूस होने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि मेरी इस्लामी और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सौ कत्ल करने वाले को माफ कर सकता है तो हमें क्यों नहीं माफ कर सकेगा बताइए मेरी बहनों मैं इसका मतलब ये नहीं करी है कि आप गलती करते जाएं और अल्लाह से तोफा करते जाएं इस्तेफार करते जाएं ऐसा हरगिज नहीं है लेकिन अब अगर हमें नदामत हो रही है हम पछता रहे हैं कि हमने बहुत सारे गुनाह किए तो लेकिन मेरी बहनों गुनाह किए और हम अफसोस में है कि अब अल्लाह के सामने क्या माफ़ी मांगू मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे मेरी माफी को कबूल करेगा तो ऐसी भी बात नहीं है अल्लाह अल्लाहबालमीन क्या है गुनाहों को माफ फरमाने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ला। फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया यानी जिन्होंने क्या है अपने जानों पर जुल्म किया और क्या है अपने आप पर गुनाहों का बोझ क्या है डाले भी है तो ऐसे लोग मायूस होने की ज़रूरत नहीं है ला तखनतु में रहमत ला अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो क्यों अल्लाह ने आगे फरमाया इन या फिर दोनों क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है सारे गुनाहों को माफ़ फरामने वाला है एक बार अल्लाह के दरबार में आइए तौबा कीजिए उसके बाद देखिए अल्लाह जरूर अपने गुनाहों को माफ फरमा देगा ये तीसरा काम हमें रमजान के इस्तबाल के लिए करना था अब जो चौथा काम हमें करना है रमज़ान के इस्तेबाल के लिए वो ये है कि नेकियों की तरफ आगे बढ़े नेकियों की तरफ सबकत करें नेकियों की तरफ आगे बढ़े मेरी इस्लामी और बहनों रमजान का जो महीना है उसमें क्या है देखिए आप हर इंसान क्या है फितरी तौर पर क्या है नेकियों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इसीलिए हमें भी क्या है रमज़ान के आने से पहले ही नकियों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना है ताकि हमें रमज़ान में मुश्किल ना हो हम हर भलाई के काम में क्या है आगे बढ़ने की कोशिश करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फुल खैरात यानी मोमिनो असलमान हो तुम हर नेकी और क्या है नेकियों के काम में और हर खैर के काम में आगे बढ़ने की कोशिश करो मेरी इस्लामी माँ और बहनों देखिए हमारे जो सहाबा इक्राम हैं हमारे साहब कराम जो है वो क्या करते थे साहब कराम क्या है नेकियों में आगे बढ़ते थे नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा इस कदर साहब कराम में था कि आइए मैं आपको बताती हूँ किसी जंग का मौका था उस वक्त में क्या है मुसलमानों को क्या है व खैराब की जरूरत थी क्या इस्लाम के लिए क्या है सदका व खैरात करने की जरूरत थी तो ऐसे वक्त में क्या है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया के जो जो सदक़ा वैरा जो इंसान जो जो करता है जो कर सकता है वो करे तो अल्लाह के नबी वम की ये बात सुनकर हजरत अबू बकर गए। और अल्लाह के नबी सलम कहे फरमान के मुताबिक हज़रत अबू बकर हुँ हुँ ने अपने घर का सारा सामान लाकर रख दिया अल्लाह के नबी की खिदमत में फिर उसके बाद हजरत अमर गए और उन्होंने भी क्या किया अपने कहे घर का आधा सामान लाया और आधा सामान घर में रख आया और वो उमर रजी को ये नहीं मालूम था कि अबू बकर सारा सामान लाया वो इस खुश फहमी है खुश फहमी में है कि आज मैं अबू बकर आगे बढ़ूंगा वो नीकियों में किस कदर आगे बढ़ते मैं उनसे आगे बढ़ूंगा इस कहे नीयत के साथ वो घर में जाते हैं और घर का आधा सामान उठा कर लाते हैं और अल्लाह के नबी की खिदमत पे पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी आज मैंने क्या है आपकी खिदमत में क्या है ये सारा सामान ला रखा है घर का आधा सामान आपके सामने है आज मैं अबू बकर आगे बढ़ूंगा अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर बुलाते हैं और पूछते हैं अबू बकर तुमने क्या लाया है तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने घर का सारा सामान आपकी खिदमत में क्या है पेश कर दिया है मेरी बहनों अल्लाह के नबी पूछते हैं कि अबू बकर घर में क्या छोड़कर आए हो तो अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर जवाब देते हैं कि अल्लाह के नबी घर में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मैंने घर में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया है सुबह अल्लाह देखिए यहाँ पर उमर रजी अबू बकर है नेकियों में आगे बढ़ने के के खातिर अपने घर का आधा सामान ला कर रखते हैं लेकिन सुखान बकर रजी अल्लाह से भी आगे बढ़ गए तो के अंदर किस चीज का है नेकियों में आगे बढ़ने का है ना कि के मालो दौलत में आगे बढ़ने का खूबसूरती में आगे बढ़ने का नहीं है बल्कि क्या है नेकियों में आगे बढ़ने के लिए वे किस कदर जस्तजू कर रहे हैं इस कदर थे हमारे सहाबा कर नेकियों में आगे बढ़ने की क्या है ख्वाहिश रखते थे इतना ही नहीं बल्कि क्या है चंद गरीब साहब करीब साहब कहे अल्लाह के नबीम के में आते हैं और कहते हैं नबी मालदार सा कराम जो मालदार हैं उनके पास कहे मालो दौलत है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं हम गरीब है हमारे पास मालो दौलत नहीं है हम अल्लाह के पास कहे किस तरह खरीब हों हम नेकियों में किस तरह आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी सल्हलम ने कहा कि ए सहाबा आप परेशान क्यों हो रहे हैं आपके पास माल और दौलत नहीं है तो क्या हुआ आप ये क्या है चंद तस्बीहात में आपके सामने क्या है पेश करता हूँ वो तस्बीहात को आप पढ़ो जितना हो सके उतना पढ़ो आप मालदार साहबा से आगे बढ़ जाओगे तो वो तस्बीहात क्या थे सुबहानद्ला अकबर इसको कितनी मरतबा पढ़ सकते हो उतनी मरतबा पढ़ो हर वक्त अपनी जुबान पर जारी रखो चुनाचे गरीब साहबा जाते हैं और इसी तरह क्या है तस्बीहात को क्या है लाजिम पकड़ते हैं और यही तस्बीहात पढ़ते रहते हैं चुनाचे जब मालदार साहबा को ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी ने चंद कहे वजीफा बताया है चंद क्या है तस्बीहात बताए वो पढ़कर क्या है गरीब साहबा हमसे आगे बढ़ गए चुनाचे वो वो साहबा भी क्या करते हैं मालदार साहबा इन तज, इन तस्बीहात को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इस तरीके से क्या है मालदार साहबा और आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों किस कदर उन लोगों के पास क्या है आगे बढ़ने का जोश और जोश और जज्बा था तो फिर अल्लाह क्या गरीब साहब आकर अल्लाह के नबी के पास कहते हैं अल्लाह के नबी मालदार साहबा क्या माल और दौलत भी खर्चा खर्च कर रहे हैं और ये भी तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जितना हो सके उतना पढ़ो तुम्हारे क्या है तुम्हारे क्या नसीब में जितने क्या है नेकियां होंगे वो जरूर तुम्हें मिलेंगे तो इस कदर अल्लाह इस तरह क्या है अल्लाह के नबी समझा कर भिजाते हैं तो ये जोश और जज्बा क्या है नेकियों में आगे बढ़ने का था मेरी बहनों माल और दौलत में आगे बढ़ने का नहीं था तो देखिए सुबह अल्लाह तो आज हमें क्या है इस इस तरह क्या है नयियों में आगे बढ़ने की क्या है, क्या है कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या क्या है है ये आज क्या है, कोई हमारे सामने नेक अमल कर रहा है तो हमारे दिल में ये शौक पैदा हो कि वो नए काम कर रहे हैं उनसे आगे क्या है मैं नेकी के काम में आगे बढ़ू तो जैसे आपको क्या है अभी क्या है इससे पहले भी मैंने आपसे क्या है शुरू में आपको बताया था कि सलफी फलफी रही क्या करते थे कि रमजान के आने से छह महीने पहले से दुआ करते थे तो क्या है वो रमज़ान की भलाइयों को चाहते थे भलाइयों में आगे बढ़ने के लिए छह महीने से इंतजार करते थे सुबह अल्लाह तो देखिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों ये क्या है तीसरा चौथा है तीसरा काम था हमारा कि हमें क्या है बुराइयों को छोड़ना था और क्या है नेकियों की तरफ आगे बढ़ना था इसी तरह मेरी इस्लामी माँ और बहनों जो क्या है हमारा पांचवा काम ये है कि हम तखवा पैदा करें अपने दिल में रमजान का जो क्या है इस्तेमाल करना है वो क्या है तखवा पैदा करना है अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करना है तो डर किस तरह किस तरीके से पैदा किया जा सकता है तो सबसे पहले आइए ये जो रमज़ान का महीना जो है ट्रेनिंग का महीना है मेरी बहनों तरबियत का महीना है इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है हमें रमजान हमें ये बताने के लिए आता है कि हम जिस तरह हलाल चीजों को अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं तो उसी तरीके से क्या है हम हराम चीजों को भी अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं क्यों नहीं छोड़ सकते तो रमज़ान हमें क्या है तखबे की ट्रेनिंग देने के लिए आता है अल्लाह ने खुद फरमाया ईमान तुम पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस, तरी, जिस तरीके से तो तुम पर क्या है तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज कर दिए गए थे ताकि तुम तखबे वाले बन जाओ तो मतलब इसमें यह बताना है कि रमज़ान में जो रोजे रखने का मकसद है वो भी क्या है तखबे के लिए है तो मेरी इस्लामी और बहनों ये जो रमज़ान में रोजों का मकसद है वो क्या है तखवों का है यानी तखवे के लिए आया है रमजान रमजान में जो हम रोजे रह रहे हैं वो तखवे की ट्रेनिंग के लिए आया है मैं इस्लामी मा बहनों अल्लाह ने ये तखवे के जो क्या है हमें ताकिद की है हमसे पहले उम्मतों को भी तकवे की ताकीद की थी अल्लाह तबारक तल्ला ने अल्लाह ने फरमायादी के लोगो हमने तुम्हें तकवे की वसीयत की है और तुमसे पहले लोगों पर तुमसे पहले लोगों को भी तकवे की वसीयत की थी हमने तुम्हें और तुमसे पहले दोनों लोगों को भी कहे तकवे की वसीयत करते हैं अल्लाह तबारक मेरी बहनों वैसे तो सारी इबादतों का मकसद तकवा है हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज का मकसद भी क्या है अल्लाह से डरना है हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा तो होना है इसी तरीके से अगर हम रोजा रख रहे हैं तो रोजे का मकसद भी अल्लाह ने तकवा बताया है अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी का मकसद भी अल्लाह तबारा ने क्या है मकसद तकवा बताया है ने मजीद में फरमाया अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम कुर्बानी करते हो कुर्बानी का गोश्त को नहीं पहुँचता क्या है खून अल्लाह को नहीं पहुँचता बल्कि अल्लाह तबारक को तुम्हारे दिलों का तखवा पहुँचता है सुबह अल्लाह अल्लाह ने सारी इबादतों को मकसद तखवा करार दिया है अल्लाह ने खुद फरमायाब अल्लाह ने फरमाया कि हम ए लोगो तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुती बन जाओ परहेजगार बन जाओ यानी इबादत करने की बात अल्लाह क्यों कर रही है ताकि तखवे वाले बन जाए मेरी बहनों अब सवाल ये पैदा होता है कि तखवा क्या है तखवा ये मालूम करते हैं तखवा किसको कहते हैं जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन कामों को करना और जिन कामों से अल्लाह रबीन ने हमें रोका है उनसे रुक जाना ये तखवा है मेरी बहनों यही वो तखवा है जो इंसान को बाइज्जत बनाता है यही वो तखवा है जिससे इंसान को बरकतें हासिल होती है यही वो तखवा है जो जिससे इंसान आजमाइशों से, आज्ञ, से बच सकता है यही वो तख्वा है जो गुनाहों को मिटाने का जरिया बन सकता है यही वो तख्वा है जो जन्नत में ले जाने का सबब है मेरी बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तखबे की ताकद की मेरी इस्लामी और बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा साब के नाम को नमाज फरमाई नमाज पढ़ाई

उससे साहब कराम के आंखों में आंसू जारी हो गए और अल्लाह के साहब करे कांपना शुरू हो गए तो इस खतर अल्लाह के नबीम ने इस तरह क्या है लंबी चौड़ी और कहे बहुत ही मर एक नसीहत फरमाई तो साहब कराम ने पूछा अल्लाह के नबी आप ऐसी नसीहत कर रहे हैं लम्बी चौड़ी बोया की ये आखिरी नसीहत है तो अल्लाह के फिर साहब कराम पूछते हैं अल्लाह के नबी आप इस नसीहत में क्या फरमाने वाले हैं हमें तो अल्लाह के नबी सल फरमाते हैं के अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीम फरमा ऊसी तुम भी तक्वा मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ ये जो लंबी चौड़ी नसीहत करने का मकसद ये है कि तुम अल्लाह से हर वक्त डरते रहो मेरी इस्लामी मार बहनों इतना ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे हर वक्त तखवा इख्तियार करने की कहे अल्लाह के नबी नबीसम ताकीद करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर निकलते थे तो भी अल्लाह से तख्वे का सवाल करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट पर सवार होते तो तीन मरतबा अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर कहते और कहे चौथी मरतबा ये दुआ पढ़ते अल्लासना हाजल बिर तकवा ये लंबी दुआ है मेरी बहनों उसमें अल्लाह के नबी जो सबसे पहली चीज मांगते वो क्या कि ऐ अल्लाह हम तुझसे कहे इस सफर में जो है ना इस सफर के नेक होने और तखबे का सवाल करते हैं तो मतलब यह है कि तखवे की बहुत बड़ी अहमियत है मेरी बहनों तो अब ये जो रमज़ान में जो मकसद है मे रमज़ान का इस्तेमाल करना है सबसे पहले हमारे दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए गुनाहों से पाक होना है नेकियों की तरफ आगे बढ़ना है और अल्लाह का तखवा हमारे दिल में पैदा होना है यानी तमाम बुराइयों को छोड़कर भलाइयों की तरफ आगे बढ़ना है ये हमारे दिल में क्या है पैदा होना चाहिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों इसी तरह इसी तरीके से वक्त की कदर करें ये जो रमदान का वक्त है मेरी बहनों इसकी कदर करना है हमें वक्त की कदर करना है वक्त को जाए ना करें अल्लाह रबालमीन ने वक्त की कसम खाते हुए फरमाया कहीं अल्लाह रब्लम ने वक्त की अहमियत को बताते हुए फरमाया मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ने वक्त की कसम खाई वल्लायक शाह वश्म सी बहतू हा हा वल फज्र व्याल आश्र तो कहीं फरमाया वल आश्र अल्लाह ने वक्त की कसम खाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहे वक्त की अहमियत को बताया है अल्लाह ने कहीं रात की कसम खाई तो कहीं क्या है फज्र की कसम खाई तो कहीं आसर की कसम खाई तो मेरी इस्लामी और बहनों इससे हमें क्या है वक्त की अहमियत का अंदाजा होता है याद रखिए अब ये जो रमज़ान का महीना हमें मिल रहा है इसमें रमजान के महीने के एक एक लम्हे की हमें कदर करना है एक एक के, सेकेंड के हमें कदर करना है एक एक दिन के एक एक कहे हफ्ते के हमें कदर करना है मेरी बहनों जब क्यामत का दिन होगा अल्लाह के हुजूर क्या इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हट सकेंगे अल्लाह के सामने से कोई इंसान उस वक्त तक कदम को नहीं हिला सकेंगे एक अपना कदम दूसरा कदम भी नहीं डाल सकेंगे इंसान एक कदम भी उसका नहीं हट सकेंगे जब तक की वो पांच सवालों के जवाब न दे दे वो पांच सवाल क्या है मेरी बहनों अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तजूल कदम अपनी आदम हतान हतान عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين من اين اكتسبه وفيما انفقه وما عمل فيما علم الله تعالى الله تبارك وتعالى पांच सवाल करेंगे अपने आदम से सबसे पहला सवाल होगा के عن عمره فيما افنى सबसे पहले उमर के बारे में सवाल करेंगे क्या तुमने अल्लाह ने अल्लाह तबारा को तला सवाल करेंगे हमने जो तुम्हें उम्र दिया था वो उम्र को तुमने कहाँ पर खर्च किया यानी कहाँ पर घटाया तुमने जो तुम्हारी क्या है साठ साल की उम्र थी जो सत्तर साल की उम्र थी उसको तुमने किस में क्या है घटाया यानी किस चीज में खपाया तुमने उम्र को फिर उसके बाद जो सेकंड सवाल होगा वो वो ये कि शबा बि मबला और जवानी के बारे में खास तौर पर अल्लाह तला सवाल करेंगे कि तुम अपनी जवानी को किस चीज में क्या है गुजारा था जवानी की उम्र को खास तौर पर लोग क्या करते हैं आयश इशरत में लहू लहुलाभ में गलत सलत कामों में गुजारते हैं इसीलिए अल्लाह खास तौर पर सवाल कर रहा है कि जवानी को तुमने कहाँ पर कहे गंवा दिया उसके बाद जो तीसरा सवाल होगा वान माली ही माल के बारे में सवाल होगा मेरी बहनों चौथा सवाल होगा के मीन आई वफी मानफा कहाँ से कमाया और कहा खर्च किया माल के बारे में भी सवाल होगा कि कहाँ से तुमने कमाया है वो हलाल है या हराम है और कहाँ पर खर्च किया है पांच पांच सवाल होगा के विली मा मालिमा जो इल्म तुम्हें दिया गया था उसके ऊपर तुमने कितना अमल किया क्या क्या अमल करके आए हो आज अल्लाह के दरबार में तो मेरी बहनों इसमें आपको बताने का मतलब ये है कि जब अल्लाह तबारक वाली के सामने से कदम हटने वाले नहीं है इबन आदम के जब तक के वो वक्त के बारे में सवाल न जवाब ना दे दे दो तो सवाल इसमें अल्लाह ने वक्त के बारे में किए हैं एक क्या है उम्र के बारे में और एक क्या है जवानी के बारे में दो सवाल खास तो तौर पर किए हैं तो इससे वक्त का वक्त की अहमियत का अंदाजा होता है तो हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और वक्त को क्या है बेकार कहे बेकार कामों में लहुलाब में इंटरनेट में टीवी में ये सारी चीजों में क्या है खर्च नहीं करना चाहिए है वक्त के करना चाहिए मेरी बहनों है? है रमजान भी हमारे लिए बहुत बड़ी नियमत है रमज़ान के महीने की हमें क्या है खास तौर पर क्या कदर करनी चाहिए यह रमज़ान के महीने का जो वक्त है उसकी भी कहे हमें क्या है उस नियमत की भी कदर करनी चाहिए अल्लाह आलमीन फरमा रहे आनी कल का जब दिन तो तुम्हें हर नियामत के बारे में सवाल किया जाएगा तुमसे हर नियामत के बारे में सवाल किया जायेगा मेरी इस्लामी मोर बहनों वक्त की ही नहीं बल्कि खाली जो वक्त है उसकी भी कदर करना है क्योंकि अल्लाह के नबी सही वक्त की ना खदरे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया न वफराक अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो नियमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग अक्सर गफलत में हैं जिसके बारे में लोग क्या है अक्सर गफलत में हैं वो क्या है एक है सेहत जब सेहत अच्छी रहती है तो इंसान खाकर क्या है अपनी सेहत को तो बर्बाद करता है और जब क्या है खाली वक्त में रहता है तो अपने खाली वक्त को बेकार कामों में गंवा देता है मेरी बहनों जब हम खाली वक्त में हो तो कुछ दिन के कामों में अपना वक्त लगाएं जब हम खाली वक्त में हो तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करें और अपने आप को कहे अल्लाह के कामों में लगाए मेरी बहनों याद रखें कि वक्त के बारे में खास तौर तो पर सवाल किया जाएगा और अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जाने का कहे हुक्म दिया है अल्लाह के नबी फरमाते हैं खमसन शबाब का हरमिक वाबलिक वीना काबला फकरिक वो फराग का ख़बल शक्र व हयात काबल मोतिक अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ये हदीस में जो कहे पांचों चीज़ों में से एक चीज है जिसकी कहे गनीमत जानने के अल्लाह के नबी बोल रहे हैं वो ये कि तुम कहे अपने खाली वक्त को कहे अपने फार वक्त को कहे तुम गनीमत जानो यानी जब तुम मशगूल हो तो मशगोलियत से पहले तुम क्या करना है अपने खाली वक्त को तुम क्या है गनीमत जानो तो मेरी इस्लामी मार बहनों तो बताने का मतलब यह है कि रमज़ान के जो रमज़ान के जो वक्त है हमें मिल रहा है उस वक्त की नियमत को हम क्या है उसकी कदर करें और उसको क्या है गनीमत जानते भी क्या है उसमें खूब से खूब इबादत करना है उसके है रमज़ान के लम्हों को ज़ाये नहीं करना है और रमज़ान के महीनों में खूब निकिया करना है खूब क्या है अल्लाह के हजूर के अपनी माफी मांगनी है और अपने लिए जन्नत का सवाल करना है अपने लिए अपने अहलोहयाल के लिए अपने वालदेन के लिए अपने क्या रिश्तेदारों के लिए कहे कहे दुआएं करना है उनके लिए मक्सरत मांगना है तो ये रमज़ान का जो वक्त है मेरी बहनों उसकी कदर करें उसके बाद देखिए हमारे असलाफ जो है ना वक्त का सही इस्तेमाल करते थे मेरी बहनों आप इब्ने तयमिया रहीम उल्ला को जानते होंगे इमाम इबन तयमिया रहीम ये क्या है ये जो है ना उन उन्होंने क्या है अपनी जिंदगी में वक्त का बहुत सही इस्तेमाल किया जितने भी सलफे सल्ही रही थे वो सारे लोग अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते थे इमाम इब्ने तयमिया क्या है रहीम को किसी वजह से कहे जेल जाना पड़ा लोग क्या करते हैं हक वालों को किसी न किसी वजह में क्या है फंसा कर क्या है जेल को भेज देते थे जब वो क्या है हक पर थे किसी चीज की वजह से उन्हें जेल में भेज दिया गया जेल में उन्होंने क्या है जेल वालों से पूछा कि क्या मुझे कलम और क्या है किताब मिल सकती है तो जेल वालों ने इंकार कर दिया उन्हें कलम और कापी देने से इंकार कर दिया तो उसके बाद उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा इशरार किया और कहा कि कम से कम मुझे क्या है जो कैदियों के लिए क्या है पानी नहाने के लिए गर्म किया जाता था पानी और लकड़ियों से जो गर्म किया जाता था उसका जो कोयला बनता था तो लकड़ी जो जाकर क्या है कोयला बनती थी वो मांगा उन्होंने और कहा कि कम से कम मुझे कोयला ही दे दें तो उन्होंने वो कोयला लेकर क्या है अपना जितना भी इल्म था सारे क्या सारा इल्म क्या है दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया मेरी इस्लामी माँ पहनो बहनों जब दूसरे बादशाह का वक्त आया यानी जब दूसरा हुक्मरान आया तो उन्होंने कहा इमाम इबन तैमिया के बारे में मालूम उनको हो गई वो बादशाह को तो उन्होंने इमाम इबिन तैमिया को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें रिहाई दूंगा तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि मुझे रिहा करने से पहले ये जो सारा मेरी एक ख्वाहिश है कि ये जो सारा इल्म मैंने क्या है दीवारों पर लिखा है उसको क्या है जल्दों में क्या यानी सारे लोगों को बुलाया जाए और किताबी शक्ल में महफूज किया जाए इस तरह मेरी इस्लामी माँ और बहनों उन किताबों को वो, वो इल्म को क्या है सारी किताबों में जब महफूज करना शुरू कर दिया गया लिखने वालों ने लिखना शुरू कर दिया तो वो एक नहीं दो नहीं बल्कि थर्टी सिक्स जिल्दों पर मुश्तमिल किताब कहे मुश्तमिल थी यानी क्या है थर्टी सिक्स किताबे है उन्होंने क्या है पूरी दीवारों पर लिख दिया था सुभान अल्लाह वह क्या है जेल में रहते हुए भी, भी उन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल किया तो आज क्या है वो वक्त के बड़े क्या है तबाईन में شمار होते हैं मेरी बहनों तो देखिए किसी शायद ने क्या है खूब कहा था थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो हे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो मतलब इसका ये इस शेर का मतलब ये है कि वो तो तुम्हारे आबा थे आज तुम क्या हो तुम्हारे बाप दादा यानी जो तुम्हारे क्या है मुसलमान पहले के बड़े बड़े मुसलमान थे बाप दादा थे उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए उन्होंने इस्लाम के खातिर क्या क्या चीजें की और आज तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो आज तुमसे कुछ नहीं होता आज तुम सुस्ती और काहली में मुब्तला हो आज तुम अपने वक्त को बेकार जय कर रहे हो यही बात शेर शेर के अंदाज में कहे शायर ने खींचा है इसी तरह मेरी इस्लामी और बहनों आखिरी जो चीज़ हमें करना है रमज़ान के इस्तेबाल में वो ये कि हम अपना मुहासबा करें हम अपना मुहासबा करें हमने क्या है दिन भर में और जिंदगी भर में जितने भी गुनाहे किए हैं जितने भी गलतियां किए हैं उन गलतियों का एहसास करना है अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और कहना है अल्लाह मैंने जिंदगी भर में गुनाह किए हैं जिंदगी भर में गलतियां किए हैं लिहाजा अल्लाह मुझे माफ फरमा दे मेरी बहनों हजरत उमर बिन खत्ताब को कौन नहीं जानता उमर बिन जो अमीर है। जो खलीफे है। उनके बारे में, में मेरी अमीर उमोमी जब रात होती थी तो रात के वक्त में क्या करते थे अपना मुहासबा करते थे मेरी बहनों मुहासबा किस कदर क्या किस तरह करते थे हजरत उमर रवी अल्लाहन कोड़ा लेते थे कोड़ा लेकर क्या करते थे अपने खदमों पर मारते थे मेरी इस्लामी माँ बहनों मार कर अपने नफ्स से पूछते थे अपने दिल से पूछते थे कि अये उमर तूने आज क्या काम किया है अपने नफ्स से पूछते थे क्या अमल किया है आज तूने क्या अच्छा काम किया है मेरी बहनों ये वो, वो उमर हैं जिनसे देख जिनको देखकर शैतान भाग जाता था आज उमर ये गली में रहते तो शैतान वो गली में रहता था तो ये वो उमर है जो अपना तो 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 मुहासभा कर रहे हैं जिनको देखकर शैतान भागता था ये वो अमर है जिनको तो दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी ये वो उम्र है अगर अल्लाह के नबी ने उनके बारे में फरमायाबी के ना अगर ना अगर ना अगर मेरे बाद कोई तो नबी होता अल्लाह के नबी आखिरी नबी है अगर होता तो उमर बिन खताब होते अगर कोई नबी होने वाले होते तो वो नबी क्या है उमर होते थे इतनी बड़ी फजीलत है इतने बड़े क्या है सहाबी है जिससे शैतान डर कर भागता था इतने नेक है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने नैकिया नेकियों को गिन रहे हैं और गुनाहों पर किस तरह मुहासभा कर रहे हैं यानी हिसाब कर रहे हैं कि आज मैंने क्या गुनाह किया क्या नेक अमल किया है वो अपने पैरों पर मार मार कर पूछ रहे हैं सुभान अल्लाह मेरी इस्लामी मार बहनों देखिए अल्लाह अकबर किस कदर उनके अंदर कहे डर था आलमीन का किस कदर वो क्या है आखिरत के लिए तैयारी कर रहे थे मेरी इस्लामी माँ और बहनों तो देखिए अपना मुहासबा करें वक्त की कदर करें रमज़ान जैसे अजीम महीने की कदर करें मेरी बहनों क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए क्या है बर्बाद हो जाने के लिए कहा है अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स बर्बाद हो जाए जो रमज़ान पाकर उसमें अपने लिए क्या है मकफिरत ना कराई हो लिहाजा मेरी बहनों रमज़ान मुबारक का जो क्या है बरकत वाला महीना है उसके बाद बरकत लम्हात को सुस्ती में और बहुत ज्यादा सोने में और शॉपिंग करने में जये ना करें आज हम रमज़ान के आते ही क्या है ईद की तैयारी करना शुरू कर देते हैं रमजान के रातों को रमज़ान के दिनों को क्या है शॉपिंगों में क्या है गुजार देते हैं मेरी बहनों मैं ये नहीं कहती कि आप शॉपिंग ना करें जरूर करें मेरी बहनों लेकिन क्या है रमज़ान के आने से पहले ही रमजान की क्या है ईद की तैयारी आप पहले से करके रखें रमज़ान का क्योंकि एक एक लम्हा और एक एक सेकेंड आपके लिए इंतहा कीमती है मेरी बहनों ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर है इसीलिए इसकी एक एक लम्हे की हमें कदर करना है और ना ही रातों को सड़कों शड़, पर गुजारें अपने नौजवान बच्चों को क्या है तरबियत दे कि रमज़ान के महीनों में क्या है सड़कों पर रातों को न गुजारे बल्कि इस क्या है महीने की के रातों को और दिनों को में ज्यादा से ज्यादा निकिया कमाने की कोशिश करें मेरी बहनों और उनको गनीमत जाने क्योंकि अकलमंद वही शख्स कहलाएगा जो निकियों के मौसम में क्या है बगैर किसी सुस्ती के बगैर किसी के काहिले के उससे मौका उठाए उससे फायदा उठाए उस मौके से किसी क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम कि इस साल मरने वालों की फहरिस्त में किसका नाम है और कितनी मुद्दत हमारी क्या है जिंदगी की कितनी मुद्दत है कितनी मदत हयात हमारे लिए बाकी है रमज़ान तोबा का एक सुनहरी मौका है मेरी बहनों अगर हमने का कोई गुनाहों कोई शख्स क्या है गुनाहों और गलतियों में मुब्तला है तो इस महीने में सच्चे तोबा करें मेरी बहनों इस महीने के आने से पहले हम अपने गुनाहों की मफ्रत की दुआ करें क्योंकि अल्लाह की ज़ात रहीम करीम और गफूर है वो दिल से मांगी हुई दुआओं को रद्द नहीं करता मेरी बहनों आप, आपके रब के बारे में क्या ख्याल है जिसने क्या है जन्नत में ऐसे शख्स को दाखिल कर दिया जो सौ आदमियों का खातिर था आपका अपने रब के बारे में क्या ख्याल है जिसने एक जानी औरत को तो सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत में दाखिल कर दिया मेरी इस्लामी मोर जो, जो, जो शख्स ये सोच कर बैठता है कि अभी तो जिंदगी बाकी है हम बाद में भी तोबा करेंगे अल्लाह पर ऐसी ऐसी गलती कभी ना करें क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला धोखे में है क्योंकि मौत का ठिकाना नहीं मौत का क्या ठिकाना मेरी बहनों वो तो तोबा करने से पहले भी आ सकती है जो शख्स रमजान में तोबा ना कर सका वो फिर कब तोबा करेगा मेरी बहनों जो शख्स रमज़ान में अपने नफ्स का हिसाब और किताब ना कर सका वो कब अपने नफ्स का मुहासबा करके तोबा करेगा मेरी बहनों अगर हमने रमज़ान पाकर भी रमज़ान के कदर करके अपने गुनाहों के तो हाँ की बख्शिश ना करवाई तो यकीन जानिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ के हकदार हैं एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे चढ़ते वक्त अल्लाह के नबी ने तीन मरतबा आमीन कहा तो आप वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के नबी आप कहे मामूल के खिलाफ यानी आदत जब भी अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़ते तो ऐसा नहीं करते थे लेकिन एक मरतबा अल्लाह के नबी ने मिंबर पर तीन सीढ़ियों पर चढ़ा और तीन वक्त आमीन कहा जिस शख्स क्या, क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के नबी आपने ऐसा क्यों किया अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया जिब्राई लड़म मेरे पास आए थे जिस शख्स के उन्होंने कहा तीन चीजें उन्होंने मेरे सामने कह बयान की उसमें से एक चीज ये कि उन्होंने एक चीज ये बयान की कि जिस शख्स की जिंदगी में रमज़ान आया फिर भी वो बख्शा ना गया यानी फिर भी अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाई तो वो जहन्नम का ईंधन बने जिब्राइन आल्लाम बदुआ दे रहे हैं और अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप आमीन कहिए तो अल्लाह के नबी आमीन करें अल्लाह हु अकबर अल्लाह व तआला यानी जहन्नम का ईंधन बनाए और अपनी रहमत से दूर करे बल्कि ये बात जिब्राइन आल्लाम कह रहे हैं बदुआ दे रहे हैं तो सोचिए मेरी बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं आप अंदाज़ा लगाइए जिस शख्स के बारे में जब्राइन अमीन बतुआ कर, कर रहे हैं और अल्लाह के नबी से कह रहे हैं तो उस शख्स का अंजाम कितना भयानक होगा मेरी बहनों यकीन जानिए तो बस आज का मेरा पैगाम यही है कि हम रमज़ान के आने से पहले अपने दिलों को साफ करें अपने दिलों को क्या है अपने दिलों में क्या है सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का ख्याल रखें और हम अपने आप को अच्छाई का ख्याल करते हुए अच्छाइयों की तरफ बड़े बुराइयों से दूर रहें और अपने वक्त की क्या है अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और अपना मुहासबा करें मेरी इस्लामी माँ और बहनों और एक एक लम्हे की क्या है हमें क़द्र करना है एक एक लम्हे की क्या है हमें कदर करना है तो लिहाजा मेरी इस्लामी माँ मा और बहनों आखिर में अल्लाह आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को कहे मुबारक जैसे महीने की क्या हमें कदर करने वाला बनाए और पहले से ही उसकी तैयारी करने वाला बनाए और हमें क्या है रमज़ान के एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करने वाला बनाए और हमें उसमें जो मुकद क्या है जो कदर वाली रात है अल्लाह ताला हमें कहे है वो कदर वाली रात नसीब फरमाए आमीन आमीन आखिर में मैं ये शेर कहते हुए अपनी तकरीर खत्म करती हूँ या इलाही तू हमें सच्चा मुसलमान कर दे दीन अहमद पे चला आमिल कुरान कर दे हमने माना कि तेरी राह से बेजार हैं हम बख्श दे हम को इलाही के गुनहगार हैं हम अल्लाह हम कहे तो अपने सारे गुनाहों के माफी मांगते हैं और हमें कहे रमजान का मुबारक महीना नसीब फरमा उसके तमाम भलाइयाँ और कहे खैर और बरकतें हमें हमारे दामन में कहे नसीब फरमा और कहे हमें तमाम बरकतों से और रहमतों से माला मार फरमा और हमें कहे वो कद्र वाली जो रात है अल्लाह हमें भी नसीब फरमा वो कद्र वाली रात में ताकि हम भी कहे तिर अस्सी साल चार महीने इबादत करने का सबाब पा सकें अल्लाह हमें जो भी गुजर चुके हैं अल्लाह उनके मफ़िरत फरमा और हमें क्या है इस महीने की कदरत करने वाला बना आमीन तो मामीन असलकम वरहल वक्त